जय शाह की ये तस्वीर आपके सामने वायरल हो रही होगी, जिसमें उनके हाथ में तिरंगा पकड़ाने की कोशिश की गई जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत लिया और उन्होंने उसको हाथ में लेने से मना कर दिया। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है कहकर कि आखिर इन्होंने अपने हाथ में तिरंगा क्यों नहीं उठाया। वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जरूर है, लेकिन साथ ही वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, आईसीसी के मेंबर है, राइट। एक कोड ऑफ एथिक्स होता है और आपको किसी को भी, मुझे लगता है वो शायद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि उस जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी, उसमें कितने सारे मेंबर नेशंस हैं ना, कितनी सारी कंट्रीज हैं। आप अगर उसके मेंबर हैं तो आपका सबसे पहला तो कोड ऑफ एथिक्स इसी बात का होगा कि आपको इम्पार्शियल होना है, आप अपनी भावनाओं में नहीं बह सकते। इट वॉज अ प्रोटोकॉल दैट ही वॉज फॉलोइंग। लेकिन यही प्रोटोकॉल की बात हामिद अंसारी के लिए क्यों नहीं अप्लाई हुई थी, जब इतना बड़ा इश्यू इस पूरी बीजेपी आईटी सेल ने इस बात का उठा दिया था कि देखिए इन्होंने तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया जबकि राष्ट्रपति कर रहे हैं। वहां पर राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज भी खड़े हुए थे अटेंटिव पोजिशन में, वो भी सैल्यूट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका इशू नहीं बना। इशू बनेगा क्योंकि नाम जो हामिद अंसारी है। तो ये हमें इस पूरी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। वो बताते हुए थक गए, वो बोलते हुए थक गए, लेकिन आपने अपना प्रोपेगेंडा पूरा फैला दिया। वो बोलते हुए थक गए कि प्रोटोकॉल ये कहता है कि जो भी प्रिंसिपल डिग्निटरी है और जो यूनिफॉर्म में है वही सल्यूट करेंगे, बाकी सब लोग अटेंटिव पोजिशन में रहेंगे। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इसी पर ध्यान देते हुए सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी भी भावनाओं में बहकर सल्यूट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, अपने ही देश का बनाया हुआ प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, अपने देश का अपमान नहीं कर रहे थे, सम्मान सब मिलकर ही कर रहे थे। जब ऐसे ट्वीट्स हमारे सामने आते हैं तो ये बात तो तय है कि हमारे देश को ऐसे लोग बर्बाद ही करके मानेंगे। एक लड़की, भारतीय लड़की, खुश है इस बात पर कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर ली है, लेकिन देश के कुछ बिगटेड लोग, अंधभक्त लोग, नफरत से भरे हुए कुंठित लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि अरे हमारा तो एजेंडा फेल हो गया, हम तो आए दिन सिर्फ इनको पाकिस्तान से रिलेट करने के लिए बोलते रहते हैं, अब अगर पाकिस्तान जीत जाता तो हमको मौका मिलता इनको ये कहने का कि मैडम आज तो आप बहुत खुश होंगी, लेकिन पाकिस्तान तो हार गया और भारत जीत गया, कितनी खुशी की बात ये हर एक कम से कम आम भारतीय के लिए तो है। लेकिन इन लोगों को इसमें भी दिक्कत है, इसलिए जब कोई एक आम भारतीय लड़की खुश होती है इस बात पर कि भारत जीत जाता है, ये उसको भारतीय नहीं मुसलमान होने के नाते, और वो भी खास तौर पर उस मुसलमान के नाते जो इनके एजेंडे को कभी भी प्रोपगेट नहीं करता, इनके झूठ को फैलाने में इनका मदद नहीं करता, क्योंकि इनको वो वाले मुसलमान बहुत पसंद हैं जो आप टीवी चैनल पर प्राइम टाइम पे एंकर बने देख रहे हैं या इनके स्टूजेस हैं आप ट्विटर पर देखते हैं, जिनको, जिन मुसलमानों को ये लगता है कि यार इस रास्ते पर रहना ठीक है, कम से कम हम लोग सेफ रहेंगे, वो वाले मुसलमान नामों से इनको प्रॉब्लम नहीं होती है, इनको साइमा जैसे मुसलमान नामों से प्रॉब्लम होती है जो लगातार सच के लिए आवाज उठाते रहते हैं, किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो आवाज उठाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, सवाल पूछते हैं, इमोशनल हैं, लेकिन इनसे ये रहा नहीं गया। और ये बीजेपी के समर्थक ऋषि बागरी लिखते हैं, अरे मैडम ये तो भारत जीता है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जीता है। वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है आप समझ रहे हैं ना, कि क्योंकि आप तो मुसलमान हैं और आप तो देश की सरकार को सवाल करती हैं, तो देश की चुनी हुई वो सरकार जो मोदी है, देश नहीं, मोदी इज नॉट कंट्री, मोदी को क्योंकि आप सवाल करती हैं, बीजेपी की सरकार को आप सवाल करती हैं, तो आप तो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि इनके हिसाब से वो लोग तो इस देश में सीज कर जाने चाहिए फ्रॉम एग्जिस्टेंस, वो लोग तो रहने ही नहीं चाहिए, या वो है ही नहीं जो मोदी को वोट नहीं करते, जो बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं रहते, या बीजेपी की किसी भी बात से डरते नहीं है, इनके हिसाब से वो लोग तो यहाँ एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करेंगे तो हम उनको सीधा पाकिस्तान का वीजा देने के लिए रेडी रहेंगे, और अगर उसका नाम कोई मुसलमान नाम है तो फिर इनका काम और आसान हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर कोई मुसलमान अक्यूज होता है तो उसके ऊपर यूएपीए ठोकना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। मतलब हम कहाँ आ गए हैं, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी बिकमिंग एज अ नेशन, ऐसा करके कि आपको लगता है कि भारत जीतता है, उस मैदान में जरूर भारत जीत गया है उस गेम में, बट एज अ कंट्री वी लूज व्हेन वी डू थिंग्स लाइक दिस।
हमको एक होकर सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश होना चाहिए था। यहाँ हम एक दूसरे को ही छीटाकशी करने में, छिछालेदार उसकी करने में लगे हुए हैं, उसे पाकिस्तानी बताने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को विलिफाई कर रहे हैं, डिमोनाइज कर रहे हैं, उसमें भी अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं लोग। क्योंकि किसी मुसलमान की तारीफ करते हुए हम नजर नहीं आने चाहिए, और हम अगर नजर आए तो सिर्फ ऐसे किसी मुसलमान की तारीफ करते हुए नजर आने चाहिए जो अपनी अपनी फील्ड के मुख्तार अब्बास नकवी या फिर शाहनवाज हुसैन या मोहसिन रजा हो, ताकि ये दिखाई दे कि नहीं नहीं वो मुसलमान तो देशभक्त है जो मोदी मोदी करता है, जो मोदी से सवाल करेगा वो देशभक्त नहीं हो सकता। व्हाट इज दिस लॉजिक? एक आदमी को आपके सामने कैसे देश बनाने की कोशिश हो रही है, आप समझ रहे हैं? हर मुद्दे पर, मतलब एक गेम नहीं छोड़ते ये लोग। व्हाई एवरी टाइम यू हैव टू पुट दैट मुस्लिम इंडियन इन सच एन ऑकवर्ड पोजिशन ऑल द टाइम, उसको हमेशा प्रूव करते रहना अपनी देशभक्ति, हमेशा। आप कुछ भी करके निकल जाएं, आप झंडा पकड़ने से मना कर दें, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वहीं अगर कोई असलम होता ना, या कोई विपक्षी नेता होता, कोई भी होता, कहां पहाड़ खड़ा कर देते। क्या कर रहे हैं हम लोग? एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस टू आर नेशन? डोंट यू लव योर कंट्री? वी कैन क्लियरली सी दैट यू डोंट लव योर कंट्री, बिकॉज अगर आप अपने देश के लोगों को ही प्यार नहीं करते हैं तो आप अपने देश से कैसे प्यार करेंगे? आप भगवान भगवान करते हैं, आप अपने भगवान की क्रिएशन से प्यार नहीं करते? मेरा भगवान ज्यादा बड़ा, उसका भगवान छोटा, मेरा धर्म ज्यादा बड़ा, उसका धर्म छोटा, वो नमाज पढ़ेगा तो मैं भी वहां पे जाके, वहीं जाके हनुमान चालीसा तेज से शोर बचा के, मतलब क्या कर रहे हैं? कभी सोचा है कभी ये कहा है कभी आपने कि चाइना ने 7 दिन के अंदर अस्पताल बना लिया, हम 5 दिन के अंदर बनाएंगे? कभी आपने कहा है कि उस देश में, अमेरिका में, फलाना जगह पे इतनी सुविधाएं कैसे उनकी जनता को मिल रही है, हमारे देश में उससे ज्यादा मिलनी चाहिए? ये क्यों नहीं कहते? ये आपकी देशभक्ति नहीं आपको उमड़ उमड़ के बुलवाती? ये नहीं बोलना चाहते आप, वो नहीं करना चाहते आप? वो मुश्किल है ना, कहीं भी जाके पसर जाना, वीडियो बना लेना, वायरल हो जाना, और उसके नाम पे अपनी राजनीति कर लेना, ऐसे तेज 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 से हनुमान चालीसा आती है नहीं, एक लाइन बस बोल देना, आपको लगता है कि हो गया आपकी देशभक्ति। किसने तिरंगा लगाया है नहीं लगाया उससे बस लोगों की देशभक्ति आप जज करते रहेंगे? मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे ऐसे? और ये सब हम लोग अपने आपस में लोगों को करने दे रहे हैं, और हम खुद भी कर रहे हैं। जो सवाल मुद्दे पे कर दे उसको एकदम रोक दो, मतलब उसको बिल्कुल ऐसा बता दो कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बेरोजगारी पे सवाल करने की, तू देशद्रोही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? मतलब ये तो समर्थक लोग एकदम ऐसे हैं कि अगर किसी ने, सब लोगों ने ये रिपोर्ट कर दिया था कि डॉलर के मुकाबले रुपया 80 रुपए हो गया है, चिंता की बात है ना, तो समर्थक ऐसे थे कि वेट कर रहे थे कि कैसे 79 और 78 पहुंचे, तो ये देखो अब नहीं तुम लोग रिपोर्ट करे, अच्छा 78 पे तुम लोग खुश हो रहे हो? 78 इज ऑल्सो नॉट अ गुड फिगर। आप लोगों ने कंपैरिजन का जो पैरामीटर है वो इतना ऊपर कर दिया 80 कि फिर उसके सामने आपको 78 भी अच्छा लग रहा है, 2 साल पहले तक 72 था। कई लॉजिक का कोई वो ही नहीं है कि, मतलब लड़ाई है इनकी लॉजिक से, लॉजिक पे हमको बात ही नहीं करनी, बस हम कैसे इसको ट्रोल कर, रवीश को ट्रोल कर देते हैं, NDTV को ट्रोल कर देते हैं, हाँ इसको साक्षी को ट्रोल कर देते हैं, साइमा को आज हम बताते हैं, फिर मजा आएगा साइमा को ट्रोल करने में। इसकी खुशी नहीं है कि देश जीत गया है, साइमा को ट्रोल कैसे किया जाए उसमें मजा आएगा। दिमाग से थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, लॉजिक पे अगर आज बात करनी है पहले भी करनी चाहिए थी, और अगर आज से लॉजिक पे बात कर रहे हो ना तो आगे फिर इलॉजिकल मत होना। मतलब जब खुद पे आती है, इनके अपने लोगों पे आती है, इतना रायता फैला दिया ना ये बीजेपी IT सेल ने, इतना रायता फैला दिया, जब इनके खुद के लोगों पर आती है ना फिर उन लोगों को वो रायता पीना पड़ता है। हर चीज पे आप जज करेंगे, उसके कपड़ों से आप उसको जज करेंगे, आपको लगता है कि आप उस जजमेंट के दायरे में नहीं आएंगे? आप ही का फैलाया और आप ही का शुरू किया हुआ ये है, और आज आपको लॉजिक पे बात करनी है, आज आपको फैक्ट्स पे बात करनी है, क्योंकि खुद के लोग फंस जाते हैं। ऐसे नहीं हो सकता ना, खुद का प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, दूसरे का प्रोटोकॉल तो देशद्रोह, ऐसे नहीं हो सकता।
आपका आपके लिए अगर कोई एक चीज सही है तो फिर दूसरे के लिए भी वो होनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि फिर उसका नाम देख के, उसका धर्म देख के, उसकी आइडियोलॉजी देखकर आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लेंगे। दिस कांट हैपन, अदरवाइज यू विल हैव टू कीप फेसिंग दिस एंड आई हैव नो एम्पथीज देन। यस, अगर वो नहीं झंडे को फहराते हैं, वो कोई कोई बहुत कम देशभक्त नहीं हो जाते हैं, ये बात भी उतनी फैक्ट है। बट वुड यू गिव द सेम प्रिविलेज टू एनीबडी एल्स? नो, एंड स्पेशली इफ ही हैज अ मुस्लिम नेम, यू विल नेवर डू दैट। आप कभी नहीं करते वो। जय शाह के साथ जो आज हो रहा है वो आप बीजेपी आईटी सेल की वजह से हो रहा है। इट्स हाई टाइम दैट द पार्टी अंडरस्टैंड्स व्हाट दे हैव डन। इट्स लाइक अ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जिसको आपने अनलीश कर दिया है और खुद को ही काटने पे आ रहा है। समझ जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी।